हेलो स्टूडेंट्स, मैं कवचित व्यास आप सभी विद्यार्थियों का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार कक्षा अष्टमी का जो सिलेबस है, ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, वो आरबीएसई पैटर्न से हटकर जो है वो एनसीईआरटी सिलेबस हो चुका है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस बार हमें आरबीएसई सिलेबस की कोई भी पुस्तकें नहीं लानी है, एनसीईआरटी सिलेबस से जुड़ी जो पुस्तकें हैं वो ही आपको खरीद कर लानी है और उन्हीं सब्जेक्ट की उन्हीं किताबों से आपको पढ़ना है। लेकिन लॉकडाउन की इस कठिन परिस्थिति में अभी हमारा एक ही कर्तव्य है, लॉकडाउन का पालन कर हमें घर में सुरक्षित रहना, साथ ही साथ हमारी स्टडी भी सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए हमें आवश्यक है हमारी इस एनसीईआरटी पुस्तकों से हम कुछ अध्ययन कर पाए। तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप घर पे बैठे ही एनसीईआरटी सिलेबस की जितनी भी पुस्तकें हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी घर पे बैठ के कर लें। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में क्या लेंगे अपन। इस वीडियो में क्लास 8 विषय विज्ञान पार्ट 1 अपन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पार्ट 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और आपको ध्यान रखना है, ये वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है। इस वीडियो को ध्यान से देखोगे समझोगे तो ही आप इस वीडियो के अंतिम में आने वाले जो प्रश्न हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं, टॉपिक लेते हैं हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। तो लेते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टॉपिक में बता रखा है, पाठ का नाम ही है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो हम जानते हैं कि प्रकृति में जो सजीव पाए जाते हैं उन सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वो भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, क्योंकि सजीव भी दो प्रकार के होते हैं। हमारे पृथ्वी पर सजीव जो है वो कितने प्रकार के है? दो प्रकार के। एक तो वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वे सजीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वे जीव जंतु क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। और ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, वे जीव जंतु क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी और विषमपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वो विषमपोषी। अब स्वपोषी के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो स्वपोषी के अंतर्गत यदि अपन बात करें एग्जाम्पल की कौन कौन से जीव है, तो वे है हरे पौधे। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब बात की जाए स्वपोषी में जो हरे पेड़ पौधे वो अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं, आप सभी को पता है वो कौन सी विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जबकि विषमपोषी की बात की जाए तो विषमपोषी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मानव सहित अन्य जीव जंतु। तो मानव सहित अन्य जो जीव जंतु है वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वे सभी विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो बात की जाए तो इससे आपको एक तो पता चल गया कि विषमपोषी यानी मानव सहित अन्य जीव जंतु जो है वो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? स्वपोषी हरे पेड़ पौधे से। तो हरे पेड़ पौधे यानी कि विषमपोषियों का जो भोजन का स्रोत है वो कौन है? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है। अब बात यह उठती है कि हमें भोजन करना ही क्यों है, हमें भोजन करने की आवश्यकता क्यों है? तो इस बात का उत्तर क्या है कि हम जानते हैं सजीव है और सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उन्हीं ऊर्जाओं का उपयोग करके हम जीव की अपने शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का संपादन करते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सभी क्रियाओं का अपन क्या करते हैं? क्रियान्वयन करते हैं। वो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की, जो भोजन से प्राप्त होती है। इसलिए हम अपने जीवन जीने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब बात की जाती है इसने विशाल जनसंख्या वाले देश को भोजन कैसे उपलब्ध हो पाए, तो इसके लिए हमें भोजन का निर्माण करना, उत्पादन करना, उसका प्रबंधन करना और उसका वितरण करना आवश्यक है। तो इससे रिलेटेड अपन लेते हैं सबसे पहले टॉपिक फसल के बारे में। किसके बारे में लेते हैं? फसल के बारे में। तो पहला टॉपिक अपन लेते हैं फसल। टॉपिक क्या लेंगे अपन? फसल। फसल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रॉप कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रॉप। तो फसल के बारे में बात करते हैं। तो फसल किसे कहते हैं, यहां से पहला प्रश्न पूछा जाता है। तो फसल की परिभाषा मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक बड़ा सा क्षेत्र ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने किसी खेत को ले लिया। अब उस खेत में मैंने
एक ही प्रकार की किस्मों के पौधों को उगाना। एक ही प्रकार की किस्मों के पौधों का मतलब यह है कि इस बड़े क्षेत्र में मैंने गेहूं की किस एक ही किस्म के पौधों को उगाए, तो बहुत सारे लगभग 1,000, 2,000, 5,000 गेहूं के किस्मों के पौधों को मैंने इस बड़े क्षेत्र में उगा दिया। उगाने के बाद इस बड़े क्षेत्र में जो एक ही किस्म के जो पौधे, कौन सी किस्म के, गेहूं के, तो इस एक ही किस्म के पौधों को मैंने बड़े क्षेत्र में उगाया और बड़े पैमाने पर उगाया। इसी को अपन क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो फसल की परिभाषा, एक ही किस्म के पौधों को किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। एक ही किस्म के पौधे, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कौन सी किस्म के पौधे लिए, गेहूं, यानी इस खेत के अंदर जितने भी पौधे हैं वो सभी किसके हैं, गेहूं। तो एक ही किस्म के पौधे एक बड़े क्षेत्र में, और एक बड़े क्षेत्र में एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर, तो एक ही किस्म के पौधे किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, यानी बहुत अधिक संख्या में आपने एक ही किस्म के पौधों को उगाया है, तो उस को अपन क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। तो फसल की परिभाषा, वापस ध्यान से सुनना, एक ही प्रकार के पौधों को या एक ही किस्म के पौधों को किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है, क्या फसल एक ही प्रकार की होती है क्या? नहीं, फसल भी अलग अलग प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल, फसल में अनाज आता है, फसल में सब्जी आती है, फसल में फल भी आते हैं, और ये जो अनाज सब्जी फल जो है इसमें भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, और ये जो अलग अलग प्रकार की किस्म है ये ऋतु के आधार पर उगाई जाती है। यानी अपन जो भारत की बात करें तो भारत जिस प्रकार संस्कृति में विविधता है, जिस प्रकार धर्मों में विविधता है, उसी प्रकार भारत में फसल में भी क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। क्योंकि भारत जो है वो जलवायु और परिस्थितियों में क्या है, भिन्न भिन्न है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जलवायु विभिन्नता क्या है, जलवायु परिस्थिति क्या है, अलग अलग है। जैसे कि राजस्थान में यदि गर्मी का मौसम है तो अन्य क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर अन्य क्षेत्रों में वहां पर सर्दी का मौसम। यानी कहने का मतलब, भारत जैसा जो देश है वो जलवायु परिस्थितियों की दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग विविधताओं के रूप में, अलग अलग समय एक ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें, एक ही समय में जहां पर गर्मी का मौसम है दूसरे राज्य में वहां सर्दी का मौसम हो सकता है, वर्षा का मौसम हो सकता है। तो इसलिए अपन बात करते हैं, और पूरे विश्व में बात की जाए विश्व में ऐसे ही, तो बात करते हैं फसल जो अपन उगाते हैं उसको अलग अलग ऋतुओं के आधार पर उगाया जाता है। तो यहां से अगला दूसरा क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो मैं हेडिंग लगा रहा, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, फसलों का क्या करेंगे अपन, वर्गीकरण कर, किसके आधार पर, ऋतु के आधार पर, क्योंकि ऋतु भी अलग अलग प्रकार की होती है तो फसलें भी क्या होगी, अलग अलग प्रकार की होगी। तो ऋतु के आधार पर एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऋतु के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना। तो ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देखा जाए तो फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है, आपको याद करना है, रबी की फसल, कौन सी फसल, रबी की फसल, और दूसरा यदि आपको याद रखना है कौन सा, खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल, तो रबी की फसल और खरीफ की फसल, ये दो फसल याद रखनी है आपको ऋतु के आधार पर। अब बात की जाए रबी की फसल किसे कहते हैं, तो ऐसी फसल जो सामान्यतः कौन से ऋतु में उगाई जाती है, शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहेंगे, रबी की फसल। अब शीत ऋतु का काल कितने महीने का होता है या कहां से प्रारंभ होता है, तो रबी की फसल की जो बुआई है वो बुआई की जाती है सितंबर अक्टूबर, सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच रबी की फसल की बुआई की जाती है, और इसकी जो कटाई है वो की जाती है मार्च से लेकर अप्रैल महीने। यानी यूं कहे कि रबी की फसल जो है वो सितंबर से मार्च इन महीनों के अंतराल में उगाई और कटाई इसकी की जाती है। तो रबी की फसल ऐसी फसल जो सामान्यतः शीत ऋतु, शरद ऋतु या सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। सामान्यतः शीत ऋतु का मौसम यानी इस रबी की फसल का जो काल है, जीवन काल है, वो होता है सितंबर से लेकर मार्च तक। इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है,
रबी की फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो रबी की फसल में यदि अपन बात करें तो रबी की फसल में एक तो आपको याद करना है गेहूं का, गेहूं। दूसरा आपको याद करना है चना। तीसरा आप याद करना है मटर, याद कर दो। चौथा आप याद कर दो सरसों। पांचवा आप अलसी याद कर दो। तो ध्यान रखना, रबी की फसल ऐसी फसल जिन्हें सामान्यतः शीत ऋतु में उगाया जाता है। सितंबर से मार्च महीने तक शीत ऋतु का काल चलता है। कौन कौन सी फसलें रबी की? गेहूं, चना, मटर, सरसों। कम से कम दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। किसके अंतर्गत? रबी के फसल के अंतर्गत। दूसरा फसल का प्रकार है खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल की बात की जाए तो खरीफ की फसल वो फसल होती है जिन्हें सामान्यतः कौन से ऋतु में उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में। तो खरीफ की फसल वो फसल जिन्हें सामान्यतः वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। और वर्षा ऋतु का जो काल है वो चलता है जून से लेकर सितंबर तक। कहां तक चलता है? जून से सितंबर तक। तो खरीफ की फसल ऐसी फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, जून से सितंबर तक के मध्य में उगाया जाता है, उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल याद रखना आपको, एग्जाम्पल की बात करें तो धान है, मक्का है, जौ है। धान, मक्का, जौ, बाजरा, ये सभी आपको किसके अंतर्गत याद रखना है? खरीफ की फसल के अंतर्गत। तो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऋतु के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल। रबी की फसल ऐसी फसल जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है सितंबर से लेकर मार्च। बुआई की जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, कटाई की जाती है मार्च से अप्रैल के बीच में। रबी की फसल के एग्जाम्पल गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, कोई भी दो एग्जाम्पल आपको याद रखने कम से कम। खरीफ की फसल ऐसी फसल जिन्हें सामान्यतः वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, जून से सितंबर के मध्य में ये उगाई और कटाई की जाती है, एग्जाम्पल धान, मक्का, जौ और बाजरा। तो ये किसकी फसलों के प्रकार हो गए? रबी व खरीफ की फसल। अब बात की जाती है कि फसलों को क्या एक ही दिन में उगाया जा सकता है या फसलों को एक ही महीने में उगा सकते हैं क्या नहीं। फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार के इसके चरण है, क्रमबद्ध तरीके से इसको उगाया जाता है। तो उगाने के लिए जो चरण है, जो कृषि की पद्धतियां है, उन कृषि पद्धतियों को बात करते हैं। जिस प्रकार एक अपन बगीचे के अंदर किसी पुष्प को, किसी फूल को उगाने के लिए जो जो पद्धति अपनाते हैं, पहले अपन घर पे एक गमला लेके आते हैं, फिर उसके अंदर मिट्टी डालते हैं, मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, फिर उसके अंदर बीज डालते हैं या पौधा लगाते हैं, फिर उसके अंदर अपन पानी, खाद, उर्वरक, वो जो भी पद्धति अपन अपनाते हैं वो सब भी फसलों के अंदर अपनाई जाती है। तो बात लेते हैं अपन ये टॉपिक के बाद, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि पद्धति। तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं कौन सा? कृषि पद्धति। तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं कृषि पद्धति। कृषि पद्धति तो ये याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कृषि पद्धति। तो कृषि पद्धति क्या है समझना? कृषि पद्धतियां वो पद्धतियां है जिसकी सहायता से फसल को क्रमबद्ध तरीके से उगाया जाता है। इन्हीं पद्धतियों की सहायता लेकर फसल को उगाया जाता है। अब कौन कौन सी कृषि पद्धतियां, इनका सीक्वेंस याद रखना, इनका चरण याद रखना, और इनका जो सीक्वेंस है, इनका जो क्रमांक है, इनका जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको सीक्वेंस फॉर्म में याद रखना। ऊपर नीचे किसी प्रकार से जो सीक्वेंस में लिखना उसी के सीक्वेंस में आपको इसको याद रखना। तो कृषि पद्धतियों में पहला काम, कृषि पद्धतियां ने फसल को उगाने के लिए सबसे पहला काम किया है, मिट्टी की जुताई करना। तो मिट्टी की क्या करना? जुताई करना, या फिर मैं यूं लिख सकता हूं मिट्टी क्या करना? तैयार करना। तो पहला काम है मिट्टी को तैयार करना, क्योंकि मिट्टी के बिना फसल का उत्पादन संभव नहीं है। आप किसी बीज या किसी छोटे से पौधे को सड़क पर उगा लो, फर्श पर उगा लो, तो वो नहीं उगेगा, वो बड़ा पेड़ का निर्माण नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी तैयार करना। दूसरा क्या है? मिट्टी जैसे ही तैयार हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं? अपन बुआई कर सकते हैं। तो मिट्टी तैयार होती है अपन क्या करेंगे? बुआई करेंगे, यानी बीजों को उसके अंदर बोएंगे। बीजों को बोने के बाद तीसरा काम आपका क्या होगा? सिंचाई। क्या होगा? सिंचाई। तो मिट्टी की तैयार कर लिया, बुआई कर ली, सिंचाई कर ली। सिंचाई का मतलब उनको पानी दे दिया। पानी देने के बाद चौथा आपका काम क्या होगा? खाद व उर्वरक। खाद को क्या देना? उर्वरक देना। जिस प्रकार सजीवों को, यानी हमें भोजन, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खाद व उर्वरक की, वो उनके लिए पोषक तत्व। तो इन्हें मिट्टी में देना, पौधों को देना अनिवार्य है।
खाद उर्वरक देते ही पांचवा काम है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से क्या करना, सुरक्षा करना। खरपतवार से सुरक्षा का मतलब खरपतवार वे पेड़ पौधे हैं जो फसलों के साथ अनावश्यक उग जाते हैं, जिनका कोई कार्य नहीं होता, उनको क्या करना, हटाना। तो खरपतवार से सुरक्षा। छठा काम आपका क्या करना है, कटाई। खरपतवार से सुरक्षा करने के बाद क्या की जाएगी, कटाई की जाएगी, फसलों को काटा जाएगा जब उनकी अवधि पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद सातवां पॉइंट है आपका, उसका क्या करना, भंडारण करना। भंडारण का मतलब उन फसल जो कटी हुई फसल है उनके बीजों को एक जगह सुरक्षित जगह पर एकत्रित करना। तो ये जो चरण मैंने लिखे हैं ये चरण क्रमबद्ध आपको याद रखना है, सीक्वेंस फॉर्म में याद रखना है। ये कृषि पद्धतियां है, क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि पद्धतियों के चरण को क्रमबद्ध लिखिए। तो क्या लिखोगे, मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, सिंचाई करना, खाद उर्वरक देना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। ये सीक्वेंस आपको याद रखना जो कि फसल के उत्पादन से लेकर यानी फसल की बुआई से लेकर कटाई तक ये चरण आपको याद रखना है। इन्हीं चरणों की सहायता से अपन आगे के वीडियो में अपन इस टॉपिक की विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तक अपन इस वीडियो में हम यहीं तक लेंगे और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो सभी प्रश्न आप मेरी वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज हम यहीं तक लेंगे और जो भी प्रश्न इस वीडियो की स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो सभी प्रश्न आपको घर बैठ के सॉल्व करने हैं। और यदि नहीं आते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर ही नीचे की लाइन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे, उन व्हाट्सएप नंबर से मेरे से आप बातचीत कर सकते हो इन प्रश्नों के निवारण के लिए। धन्यवाद।